Hi everyone. Greetings from Gloom India. This is Dr. Jigar Shimali, consultant nephrologist and transplant physician at Prinas Kidney Hospital, Ahmedabad and Naya. So, हमने air in blood circuit इसके बारे में block के बारे में discussion किया और अब उसके बाद अगर air blood circuit के अंदर आ जाती है तो उसको remove कैसे करें उसके बारे में discuss कर रहे हैं. ठीक है. So उसके डिस्कशन के लिए अगर हम आगे बढ़े तो इस सिचुएशन के लिए जो डेमोंस्ट्रेशन करना है वो हम लाइव पेशेंट में तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने एक डेमो क्रिएट किया. सो जैसे हमने ब्लॉग में डिस्कस किया कॉमनली एयर कहाँ से जाती है, तो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि एयर एंटर हमने कहाँ से करवाई. तो जो इन्फ्यूजन सेट जहाँ पे कनेक्टेड था उसको डिसकनेक्ट करके उसके क्लैम को ओपन किया, तो इनिशियली एयर एंटर नहीं हुई. क्यों? क्योंकि तब ब्लड पम्प स्लोली घूम रहा था, पर जैसे ही ब्लड पम्प की स्पीड बढ़ाई तो सिस्टम के अंदर एयर आना शुरू हो गया. ये जैसे दिख रहा है ना कि ये एयर कहाँ से, ये यहाँ पे एयर जा रही है. ओके, ये एयर की मूवमेंट शुरू हो गई और पहले जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी ये और बढ़ गई. ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये पम्प की वजह से हो रही है. अब ये एयर ये आर्टेरियल चैम्बर जो है उसके अंदर टर्निंग हो रहा है और एयर इकट्ठा हो रही है. ये एयर आगे भी बढ़ रही है और ये फिल्टर के अंदर भी जा रही है. ठीक है, जब ये एयर फिल्टर में जा रही है तो यहाँ पे हेडर में दिख रहा है एयर जमा हो रही है, ये भी हो रहा है. ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये एयर वीनस चैम्बर तक जाके वीनस ये एयर डिटेक्शन अलार्म सिग की वजह से डिटेक्ट होकर यहाँ पे दिख रहा है ये एयर डिटेक्शन अलार्म ऑन हो गया है और यहाँ पे उसका रेड अलर्ट आ गया है. तो ये पूरी सिचुएशन है, एयर कैसे सर्किट में आई और वो किस तरह से आगे हुआ. चलो अब एयर कैसे रिमूव करनी है वो देखते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को डिस्कनेक्ट कर दो, उसके बाद आर्टरियल और वीनस एंड को ये छोटे से एंड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पूरी सर्किट को रिसर्कुलेशन में कर दो. कभी भी एयर रिमूवल पेशेंट को कनेक्ट करने के साथ नहीं करना है, क्योंकि उसमें से थोड़ी सी भी एयर अगर पेशेंट में चली गई तो जो एयर एम्बोलिज्म वाला हमने प्रीवियस ब्लॉक डिस्कस किया है ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी. तो जैसे ही हमने सर्किट को इस तरह से रीसर्कुलेशन में डाल दिया उसके बाद दोनों क्लैंप हमने ओपन कर दिया, जिससे एक सर जैसे पेशेंट में डायलिसिस में आर्टरियल एंड से ब्लड आता है और वीनस एंड से निकलता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई. उसके बाद हमने सलाइन को आर्टरियल जो इन्फ्यूजन सेट लाइन है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे एयर की जगह सलाइन पार्ट ले पाए. अब हमने यहाँ पे देखा तो वीनस जो लाइन थी वीनस प्रेशर लाइन वो हमने बंद कर दी और वीनस चैम्बर और वीनस लाइन को एयर रिडक्शन अलार्म और वीनस क्लैंप में से बाहर निकाल दिया. उसके बाद मशीन को हमने प्राइम मोड में ले लिया. अब प्राइम मोड में लिया ना तभी मशीन ये शुरू होगा. क्यों? जब तक मशीन प्राइम मोड में नहीं जाएगा एयर की वजह से, एयर रिडक्शन अलार्म की वजह से वीनस क्लैंप खुलेगा नहीं और पम्प भी खुलेगा नहीं, तो मूवमेंट नहीं होगी. अब जैसे ही हमने इसको प्राइम मोड में डाल दिया ये सर्किट शुरू हो जाएगी और ये एयर भी मूव होना शुरू हो जाएगा. अब क्या होगा, एयर वीनस और आर्टेरियल चैम्बर में इकट्ठा होना शुरू होगी और उसकी जगह सलाइन अपनी जगह लेता रहेगा. ये दिख रहा है ये पहले हमने वीनस में से एयर निकाली, अब हम आर्टेरियल चैम्बर में से एयर निकाल रहे. तो ऐसा करते करते हम एयर को रिमूव करते जाएंगे. जब भी हमें एयर को रिमूव करना होगा तो टेम्पररी हम पंप होल्ड करेंगे और फिर वापस हम पंप को शुरू कर देंगे, जिससे वापस जो एयर जमा होकर दिखा ऐसे क्या से हुआ कि जो फिल्टर वाली एयर थी यहाँ से वापस वीनस चैम्बर में एंटर हो गई. तो देखा यहाँ पे जो एयर शक करने की वजह से पूरा लिक्विड ने प्लेस ले लिया था उसके बदले वापस एयर आ गई. और दूसरा एक चीज़ क्या होगी, ये जो सलाइन चालू है इसलिए सर्किट के अंदर जो ट्यूबिंग है उसके अंदर एयर के बदले सलाइन अपना पार्ट लेती रहेगी और एयर इकट्ठा जो दोनों चैम्बर्स है उसमें होती रहेगी. हमें इस तरह से एयर को रेगुलरली सक करते ही रहना है जब तक हमें पूरी सर्किट में से विजिबल एयर चली ना जाए. जब भी हम एयर सक कर रहे तब हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो क्लैंप है वो आइधर वीनस चैम्बर का हो या आर्टेरियल चैम्बर का हो, उसको एयर रिमूव करने के बाद प्रॉपरली क्लोज करें, वरना वो भी एक सोर्स बनेगा जहाँ से वापस एयर एंटर होगी. अब हमने वापस पंप की स्पीड बढ़ाई कि जिसकी वजह से जो छोटे छोटे एयर के बबल हो वो प्रॉपरली पास हो के वापस चैम्बर्स में इकट्ठा हो पाए.
ये अभी हम उसके लिए आगे बढ़े। जब भी ये एयर जमा होगी, देखो वापस एयर जमा होना शुरू हुआ, तो ये वापस वीनस चैम्बर या एट्रल चैम्बर में अपना अपनी जगह करती रहेगी। एक्चुअली ये चैम्बर्स बनी ही इसलिए है कि एयर को ये एकोमोडेट कर पाए, और वापस हम इसको सक करेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे मैंने बोला, हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि इस क्लैंप को हम प्रॉपरली क्लैंप करें, बंद करेंगे जब हम एयर रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें इसको क्लोज करना है, तो ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करते रहना है कि जब तक हम पूरी एयर रिमूव ना कर दें। जैसे ही एयर रिमूव होती जाएगी, हम पंप का स्पीड बढ़ाते ही रहेंगे, और उसके साथ वापस छोटी छोटी एयर जो भी जमा हो रही है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद इतनी एयर नहीं बची होगी, तो जैसे ही पंप चलता रहेगा, ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी, ये इवेंट हो जाएगी। अब अगर हम देखें, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरा सब खत्म हो गया, तो जो मशीन प्राइम मोड में है उसको डायलिस मोड में लाना है। तो डायलिस मोड में लाते टाइम वीनस चैम्बर को एयर डिटेक्शन अलार्म में रख देना है, वापस वीनस लाइन को वीनस क्लैंप के अंदर रख देना है, और उसके बाद हमें मशीन को प्राइम मोड से वापस डायलिसिस मोड के अंदर कन्वर्ट करना है। ऐसा हमने क्यों किया? हमने सीधा पेशेंट क्यों कनेक्ट नहीं किया? भले हमें पूरी वीनस पूरा एयर रिमूवल दिख रहा था, फिर भी, क्योंकि अगर कोई छोटी छोटी एयर के बबल्स अभी भी फिल्टर के अंदर या ऐसी कोई जगह रह गए, तो वो पेशेंट में ना चले जाए। हमने जैसे ही सर्किट कनेक्ट करके वापस सलाइन ऐड करना शुरू कर दिया है, तो अब क्या होगा? तो अगर कोई भी एयर होगी और सर्किट के अंदर हमें भले दिखी नहीं, तो भी ये एयर डिटेक्शन अलार्म उसको सेंस कर लेगा। देखो ये जैसे अभी कैसे हुआ, एयर डिटेक्शन अलार्म बजा, इंजनर हमें तो सर्किट के अंदर एयर नहीं दिख रही थी, तो फिर क्यों एयर डिटेक्शन अलार्म बजा? ये इसलिए ही बजा कि अभी भी वो एयर है। अब वो एयर कहाँ पे थी? तो वो फिल्टर के अंदर, समझ गए? तो अगर फिल्टर के अंदर थी, तो एयर कैसे रिमूव करनी है? तो सबसे पहले फिल्टर को निकाल के उसको उल्टा कर दो, जिससे क्या होगा, वीनस एंड ऊपर आ जाएगा। वीनस एंड ऊपर आएगा तो एयर की मूवमेंट आर्टेरियल से वीनस एंड में फास्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो ट्यूबिंग है, इस ट्यूबिंग को हमें पिंच करना है, वापस छोड़ना है। इससे क्या होगा, और एक प्रेशर क्रिएट होगा, और इससे दिख रहा है ये वापस वीनस में एयर इकट्ठा हो रही है। हम फिल्टर को हमें किसी चीज़ से ठोकना नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं हम, सीजर से या चिटास फोर्सेप से उस पर ये करते हैं, बट ऐसा करेंगे तो फिल्टर टूट सकता है और वहाँ से भी एयर एंट्री हो सकती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। जैसे ही हम ऐसे फिल्टर को हाथ से हम उसको मूवमेंट करते रहेंगे, तो पूरी एयर वहाँ से भी निकल के चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगी, और उसके बाद एक फाइनल सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसके अंदर भले इस एयर जो वीनस चैम्बर है वो एयर डिटेक्शन अलार्म के अंदर और लाइन वीनस क्लैंप के अंदर है, फिर भी पंप चलता रहेगा। यही हमारा आज का एक डिस्कशन था, कि जिसके अंदर हमें ये समझाना था कि किस तरह से पूरी एयर रिमूव की जाती है। पूरे वीडियो में हमने जो 7 स्टेप मेंशन किए, वो ऑलरेडी ब्लॉग में तो दिए हैं, पर फिर से उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एयर जो भी कलेक्ट होगी वो पेशेंट में बिल्कुल ना जाए, उसके लिए हमेशा सर्किट को रिसर्कुलेशन में लेना है। 2, एयर रिमूवल की प्रोसेस के दरमियान पंप चलता रहे, इसलिए मशीन को प्राइम मोड में रखना है। 3, जब भी एयर निकाली जाए तब तो प्रॉपर क्लीनिनेस का ध्यान रखना है, कि जिसकी वजह से सर्किट में इन्फेक्शन ना जाए। 4, एयर रिमूवल की प्रोसेस के दरमियान विजिलेंट रहना है, और उसके बाद एयर रिमूव भले हमें फिजिकली दिखे सर्किट में, पर फिर भी पेशेंट को कनेक्ट करने से पहले पूरी सर्किट को, माने जो वीनस लाइन है उसको एयर डिटेक्शन अलार्म और वीनस क्लैंप के अंदर अटैच करके एक बार रन करके देखना है, और एयर डिटेक्शन अलार्म नहीं आना चाहिए कुछ 1-2 मिनट तक, तभी जाके पेशेंट को वापस कनेक्ट करना है। अदरवाइज हमें पेशेंट को वापस कनेक्ट नहीं करना है जब तक एयर का अलार्म, एयर डिटेक्शन का अलार्म आता रहता है। ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। एंड फाइनली, फिल्टर के अंदर जो एयर जाएगी वो शायद हमें नहीं भी दिखे। क्यों? क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं, होलो फाइबर्स, उसके अंदर अगर एयर चली जाएगी तो वो हमें नहीं दिखेगी। तो उसके लिए जैसे हमने एक डेमो दिया कि किस तरह से फिल्टर में से एयर रिमूव की जाती है, उसका खास ध्यान रखें। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, कई किस तरह से
सर्किट में से एन निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू।